सर्दियों के मौसम में आमतौर पे बाइकर्स रोड्स पर, मेन रोड्स पर एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो होती है किसी ट्रक के पीछे, किसी बड़ी गाड़ी के पीछे वो चलते हैं। सर्दी से उनका कुछ बचाव हो जाता है, नहीं सर्दी उसमें कम लगती है अगर ट्रक के पीछे हम आ रहे होते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर वगैरह, वो आँखों में आते हैं तो उससे भी बच जाते हैं वो। ये दो फायदे होते हैं और इन दो फायदों की वजह से वो किसी बड़ी गाड़ी के पीछे अपनी बाइक चला रहे होते हैं। इसमें दो चीज़ें ऐसी खतरनाक होती हैं, एक तो ये कि अगर उस ट्रक वाले ने या जो गाड़ी आगे चल रही है उसने अगर ब्रेक लगा दिया अचानक तो खतरा हो सकता है कि ये जरा टकरा सकते हैं, आपस में गिर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर रोड के दरमियान में कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हो, कोई पत्थर पड़ा हुआ हो अगर, तो वो जो ट्रक है या जो गाड़ी है वो तो निकल जाएगी वहाँ से, लेकिन जो बाइकर से वो बीच में आ रहा होगा तो यकीनन जो बीच में आ रहा होगा वो फौरन तो ब्रेक लगा नहीं सकता, तो एक बहुत बड़ा हादसे का शिकार हो सकते हैं वो। कि जो ट्रक के जो टायर्स हैं उनको फॉलो करें ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो, अगर कोई जानवर अगर मरा पड़ा बीच में तो उससे बचाव हो जाए, अगर पत्थर पड़ा हुआ है उससे बचाव हो जाए। और दूसरा ये होता है कि आमतौर पर मेन रोड्स पर देखा गया है कि बाज़ बाइक्स की बैकलाइट नहीं होती है, अगर बैकलाइट जो है नहीं होती है, रेड लाइट नहीं होती तो इससे भी हादसे का शिकार हो सकता है। जो गाड़ी पीछे आ रही होती है वो सामने की लाइट्स जो पड़ी होती गाड़ियों की, इस वजह से वो आपकी बाइक को देख नहीं सकता ड्राइवर उसका, तो फिर एक हादसा हो सकता है। तो खुदारा ये ख्याल क्या करें अपना कि जो बाइक की जो बेक लाइट है उसको ऑन रखा करें, उसको दुरुस्त करवा लें। और दूसरा ये कि ट्रक या किसी बड़ी गाड़ी के पीछे का चलें तो सेंटर पर ना चलें, बल्कि जो उसका टायर है उसको फॉलो करें, उसके साथ चलें, उसके पीछे चलें।